नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दें कि दूसरी पारी में मोहम्मद शमी और अश्विन के द्वारा कमाल की गेंदबाजी की जा रही है दोनों खिलाड़ियों ने लगातार विकेट लेकर एक बार फिर श्रीलंका की टीम पर दबाव बना लिया है यहाँ पर भारतीय टीम एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई है इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। श्रीलंका की टीम ने दूसरी पारी में तीन विकेट के नुकसान पर गुण्तर रन बना लिए दूसरी पारी में मोहम्मद शमी ने पाँच ओवर करते हुए चौबीस रन देकर एक विकेट हासिल किए अश्विन ने नौ ओवर करते हुए चौबीस रन देकर दो विकेट हासिल किए यानी भारतीय टीम में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है भारतीय टीम ने पहली पारी में आठ विकेट के नुकसान पर पांच रनों पर पारी को घोषित कर दिया था और श्रीलंका की टीम ने पहली पारी में दस विकेट के नुकसान पर एक रन बनाई यानी भारतीय टीम को पहली पारी में ४०० रनों की बढ़त मिल चुकी है तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम में आसानी से जीत जाएगी तो पहले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजे और भारतीय गेंदबाजों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है